नमस्कार किसान साथियों, वर्तमान समय में आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं थार सोबा की। थार सोबा की इसलिए बात करने वाला हूं कि भाई साहब के यहां पकड़ा हूं तो इनके यहां सबसे बड़ी किल्लत पता है आपको क्या है कि इसकी जो मदर प्लांट की जो टहनियाँ है जो पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ से टहनी काट के दूसरे पौधे में लगाई जाएगी, यानी कि ग्राफ्टिंग की जाएगी। ग्राफ्टिंग करने के लिए अभी वर्तमान समय में मदर प्लांट की कमियाँ है, तो भाई साहब को मदर प्लांट की कटिंग करके जो कंपनी है वो लेके गई है, वो 1,00,000 रुपये दे के गई है। पत्तियों के रेट हैं, सांगरी का रेट है, मदर प्लांट की कटिंग के रेट है, सब कुछ बिकने वाली चीज़ है और राजस्थान में इत्तेफाक से होने वाला पौधा है, लेकिन उसी पौधे को थोड़ा सा सुधार करने के बाद है इस थार सोबा का निर्माण किया है, जिसपे अपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या कुछ आप लगाएं, कैसे लगाएं, कब लगाएं, कितना उत्पादन देगी और कितने साल बाद देगी। तो सर स्वागत है, आप मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय करवा दो। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश पारिक है और मैं चक 5 के चम ग्राम खींचियाँ जिला बीकानेर का निवासी हूँ। मैंने पिछले 4-5 सालों से थार सोबा लगा रखी है। हाँ जी, तो हालांकि खेजड़ी अपने राजस्थान में हजारों वर्षों से लगी हुई है जी। और खेजड़ी की जो खोखा है या इसकी जो सांगरी है, इनकी पत्ते हैं, लूंग है, लकड़ियां हैं, सब काम में आती है। हाँ जी, लेकिन थार सोबा उसका एक उभरा हुआ रूप है बिल्कुल, और उससे भी बेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या चीज सेल हो सकती है? आपने बताया कि पूरी खेजड़ी सेल हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, जैसे इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियाँ 2,000 रुपये पर क्विंटल बिकती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन पशुओं का सुपर फूड है ये। ठीक है, तो वो ज़्यादा है तो 2,000 रुपये पर क्विंटल ये बिकती है। फिर ये सांगरी है, तो हरी सांगरी 140 रुपये, 150 रुपये किलो हरी सांगरी मार्केट में खूब डिमांड रहती है। और भाई जान सांगरी अपने पास ज़्यादा होगी, नहीं बेच पा रहे हैं, तो इसको सुखा लो। सुखाने के बाद में भारत के अंदर 1,000-1,200 रुपये किलो बिकती है। ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण इसमें जर्मनी के अंदर भी अभी पिछले 2 सालों से काफ़ी डिमांड आ रही है और वहाँ 4,000-5,000 रुपये किलो किसान बेच सकता है। जर्मनी वाला थोड़ा एक्सपोर्ट करने का मैटर थोड़ा पजल है, लेकिन अगर वहाँ नहीं बेच के भारत में अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो भी 1,200 रुपये पर केजी, 1 किलो के 1,200 रुपये किसान को मिलते हैं। मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमने एक पहले गांधीनगर गुजरात की वीडियो बनाई है, जिसमें अगर आप 2 किलो अपनी सांगरी को भी विदेश भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जिसकी हमने वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख के आप अगर कोई भी सामान XYZ अगर भारत से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उस तकनीक के माध्यम से या उस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा आप ये बताओ कि जर्मनी में तो 5,000 रुपये आपने बताया किलो के, अपने भारतीय रेट है 1,000 रुपये किलो अमूमन हम मान लेते हैं सूखी सांगरी के, इसकी बुआई कब करे किसान, 1 एकड़ में कितना इनकम हो सकती है, पत्तों से कितनी हो सकती है और सांगरी से कितनी होगी, और इसका टाइमिंग है वो फ्रूटिंग का वो कब रहेगा? इसकी बुआई होगी जून जुलाई महीने में, जब बरसात अच्छी हो जाए तब पौधे इसके, मतलब प्राइवेट नर्सरियाँ भी दे रही है, CAH कृषि अनुसंधान, शुष्क राष्ट्रीय बागवानी, जोधपुर काजरी में भी पौधे मिल जाएंगे। इसके पौधे की शॉर्टेज रहती है, मतलब पौधे किसानों को कम मिल पाते हैं, तो उनको लगा के और फिर उनसे 3 साल के पौधे हो जाए तो बढ़ लेके आगे भी किसान आगे से आगे पौधे कर सकते हैं। फिर जैसे बाउंड्री पे अगर अपने लगाते हैं, क्योंकि मैंने तो बाउंड्री पे लगाए हैं तो मैं बाउंड्री के बता पाऊँगा, इसकी जो स्पेसिंग है मतलब 5 मीटर या 7 मीटर इसकी दूरी रख लो। ठीक है, और उसके बाद में उसके क्या फ़ायदा है, एक तो पूरे खेत हरा भरा रहेगा बाउंड्री पे होगा तो वो अपने खेत की सुंदरता को बढ़ाएगा। फिर क्या है कि ये गर्म हवा है, सर्द हवा है, आंधी है, तूफान है, उसको अपनी फसल जो अपने बोएंगे, ग्वार है, ये गेहूं है, तो उसको भी मतलब क्या कि गेहूं को पिछली बार मैंने लगाया था, काफ़ी आंधी आई थी, गेहूं नहीं गिरी क्योंकि इससे मतलब प्रोटेक्ट होगी, इसने हवा रोक ली। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वो अपने को फ़ायदा मिल गया, चारों तरफ बाउंड्री को इसने कवर कर लिया, गर्मी सर्दी तूफान सबसे बचाने की कोशिश करता है। तो ये मतलब इनकम दे रही है, उसको भी दे रही है। फिर क्या कि दूसरी फसल पास में, फिर इसके जो नीचे है तो वो भी क्या कि अभी मैंने सब्जियां लगानी स्टार्ट कर दी है, तो नीचे अगर इसके में लगाएंगे तो ये जो पत्ते हैं ये मतलब इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये मिट्टी की कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगी, सब्जी लगाएं तो वो भी अच्छी होगी। तो मतलब ऊपर का जो एरिया है उसके अंदर सांगरी ले रहे हैं, नीचे के एरिया में अपने सब्जी ले रहे हैं, तो मतलब बहुत ही कम एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब इनकम ले रहे हैं। अब टोटल अपने मिलाएंगे तो अगर
एक हेक्टर एरिया होता है तो उसकी जगह अपने 5 हेक्टर जितनी आय ले रहे हैं, क्योंकि लूक है, दूसरी फसल को बचाना है, नीचे वाली सब्जी है, तो सभी तो जोड़ेंगे तो 5 गुना इनकम आ रही है और किसानों का खर्चा लगभग नए के बराबर है। अभी आपने बताया है कि भाई मैंने खेत के चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी है। हाँ जी, तो बाउंड्री लगाने में आपने कितना समय लिया और कितने पौधे अभी लगे हुए हैं? अभी मैंने राजस्थान में सबसे ज़्यादा पौधे, मैंने 1000 पौधे लगा दिए हैं और लगभग जून जुलाई के अंदर मैं 2000 पौधे और लगा रहा हूँ, तो टोटल 3000 पौधे मैं खेत में पूरे में मतलब अपने विकसित कर रहा हूँ। अभी 1000 पौधे मैंने लगा रखे हैं। जो आपने 1000 पौधे लगा रखे हैं उनसे अब तक आपने क्या इनकम ली है? 1000 पौधे लगा मेरे को 3 साल हो गए हैं और 5 साल हो गए हैं, तो कुछ पौधे छोटे हैं लेकिन बड़े पौधे हैं, उनसे मतलब ₹1,00,000 इस बार मेरे को बडिंग वाले नर्सरी वाले दे रहे हैं और पिछली बार उन्होंने मेरे को ₹80,000 दिए थे, उससे पहले मेरे को उन्होंने ₹60,000 दिए थे, तो 3 सालों तो ये मेरी आय हो गई और बगैर कुछ मेहनत किए हुए। और जब मतलब ये बड़े उनको मदर प्लांट मिलने अगर दूसरी जगह से स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी सांगरी बेच के इनकम ले लूँगा, इसकी पत्तियाँ बेच के इनकम ले लेंगे, इसकी लकड़ियाँ काम में आ जाएगी और सब्जी नीचे लगा सकते हैं, दूसरी फसलों को जैसे टेम्परेचर मेंटेन करने में ये पौधे काम आ रहे हैं। अच्छा, आपने इनको देख रेख के लिए कोई पानी खाद स्पेशल कुछ ऐसा मेहनत की हो जिससे? नहीं, इसमें कुछ जैसा कभी फ्री टाइम मिलता है 2 महीने में एक दिन तो इसमें पानी दे दिया, थोड़ा बहुत कचरा, मतलब देख रेख तो कुछ नहीं। अगर देख रेख करेंगे तो ये जल्दी इनकम देगी, नहीं देख रेख करेंगे तो ये लेट इनकम देगी। मतलब ये नहीं कि अपने देख रेख करेंगे और अपने जीरो पे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी अपने बात करें, बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पहले से खेलडी लगी हुई है, वो नीचे कमेंट करेंगे वीडियो के, हमारे 20 सालों से खेलडी लगी है, हमारी बहुत मोटी खेलडी है, हमें इनकम नहीं हो रही है, तो इस खेलडी में उस खेलडी में फ़र्क क्या है? इस खेलडी में देखो, एक तो उसके अंदर जो फ्रूटिंग आएगी वो काफ़ी, इससे मतलब क्या आएगी 60-70% कम आएगी। ठीक है, और दूसरी उसकी जो क्वालिटी होगी तो वो भी इतनी बढ़िया नहीं। इसकी जो सांगरी होती है वो पूरी लंबी होती है, एक साइज़ के अंदर होती है और जल्दी इसकी वो सांगरी क्या कि 3-4 दिन के अंदर मोटी हो जाती है, जिसके अंदर रेट नहीं मिलते, और ये कम से कम 15-20 दिन तक इसकी मोटाई नहीं पकड़ेगी, तो मुलायम रहेगी, तो इसलिए रेट अपने को बढ़िया मिलेंगे। और फिर क्या है कि उसको तो ऊपर 20 फुट ऊंचाई पर होती है, तो वहाँ से गिरने का डर रहता है, किसी को चढ़ना भी नहीं आता, ये तो अपने नीचे खड़े यहाँ से मतलब तोड़ लो। ठीक है, तो मतलब वो भी अपने, फिर इसमें सबसे बड़ी बात उसमें कांटे होते हैं तो बहुत ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है, इसके अंदर नीचे खड़े होते एक भी कांटा नहीं है, जैसे अपने टाली का होता है पत्ता होता है और शहतूत होता है, तो उस प्रकार नीम होता है, उस प्रकार इसमें एक भी आपको कांटा नजर नहीं आएगा। तो इस खेजड़ी के पौधे लोग जो मतलब जागरूक है वो बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी विशेषता है इतनी ज़्यादा है कि मतलब किसान अगर इसको लगाता है तो नुकसान होने के 1% भी चांस नहीं है। किसान अगर इसको लगाए तो शुरुआत कैसे करें? मदर प्लांट अगर अपने खुद तैयार करें, हाँ, या नर्सरी से ले, हाँ, तो उसकी शुरुआत के टाइम क्या करना चाहिए उसको? शुरुआत के लिए अपने CIH बीकानेर और एक दो प्राइवेट नर्सरी हैं और जोधपुर काजरी, वहाँ से अगर 2-4 पौधे 5 पौधे अपने खेत में लगा ले, पौधे जब 3 साल के हो जाएंगे तो उसकी जो बर्ड है, बर्ड है जिसको अपनी आँख बोलते हैं, आँख चढ़ाना, कलम चढ़ाना, ग्राफ्टिंग करना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा होगी। ठीक है, तो जैसे ग्राफ्टिंग, उन पौधों से आगे ग्राफ्टिंग कर लिए, फिर मदर प्लांट लगाए, फिर आगे ग्राफ्टिंग कर लिए, तो उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, खुद के पौधे और ये जो खेजड़ी के जो बीज होते हैं उनसे पौधा लगा लिया तो कोई खर्चा नहीं है, तो खर्चा नहीं होगा तो नुकसान होने का चांस भी नहीं है। ठीक है, तो किसान भाई का कहना है कि जो साधारण अपनी खेजड़ी है उसी के आपने बीज लगा के अपने पौधे तैयार कर लेने हैं 1-2 साल 3 साल के, और उसके बाद इसमें से आप हैं आँख निकाल के ले जाएंगे, जैसे यहाँ से फुटान निकल रही है उनको ग्राफ्टिंग करवा लेना है, और ग्राफ्टिंग करवाने के बाद आप अपने खेत में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेन बात है कि जब खर्चा ही नहीं है तो नुकसान बड़ी बात ही नहीं है। अब आपने कहा कि इसके मदर प्लांट लोगों के पास नहीं है, आपकी जो खेजड़ी है वहीं से काट काट के ले जा रहे हैं, दूसरे लोगों को ग्राफ्टिंग करके दे रहे हैं, तो आज से 4-5 साल पहले आपके मन में कैसे आया, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को प्रेरणा यहाँ CIH ICR के अंदर डॉक्टर SR मीणा, शिवराम जी मीणा है, उन्होंने कहा कि आप खेजड़ी लगाइए, हमने तैयार की है, तो उनके मतलब मार्गदर्शन के अंदर मैंने खेजड़ी लगाई। और CIH के अंदर बीज भी तैयार होते हैं, वो बीज भी मतलब क्या है कि अपने खेत पे तैयार करवाते हैं, काचर का बीज है और बढ़िया तोरी का बीज है और ग्वार का बीज है, वो भी मैंने तैयार किया। और दिल्ली से मतलब कैमरामैन टीम आई थी, और ये आप देख सकते हो किताब के अंदर उन्होंने मेरा लेख भी मतलब सक्सेस स्टोरी के रूप में छाप रखा है, और किसान भाई आप ये देख सकते हो।
तो वीडियो में आप देख पा रहे हैं भाई साहब की फ़ोटो भी लगी हुई है, फ़ोटो के साथ साथ ये शुष्क बागवानी समाचार में जनवरी जून 2014 में इनका जो बुक छपी उस बुक में इनका लेख छपा है जिसमें पूरी डिटेल से इन्होंने बताया। और मेन बात ये है कि आप खेजड़ी के साथ साथ है, काचर का बीज है और तोरी का बीज है ये भी काम करे, मतलब आप ऑल ओवर प्रगतिशील किसान हो। नहीं हो पाए, लेकिन आज के टाइम के अंदर जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं तो किसान के खर्चे बढ़ रहे तो उसके मतलब इनकम के सोर्स भी मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैं वो मेरे दिमाग में था और लोगों से मैं मतलब जो डॉक्टर साहब है और भी मतलब प्रगतिशील किसान है उनसे मतलब सीखने की मेरी इसका परिणाम आज आप देख रहे हैं, सभी किसान भाइयों का सहयोग है और आगे भी मतलब नए नए मैं मतलब नए नए इनोवेशन इसमें करते रहेंगे, किसानों को भी फायदा हो। तो अगर कोई किसान भाई आपसे जानकारी लेना चाहें तो क्या आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। मेरे नंबर है 800-56-45-285। ठीक है, अब आपने बताया कि मैं काचरी का बीज भी तैयार करता हूँ, तो काचरी के बीज में कितने की इनकम हो जाती है? काचरी का बीज के अंदर बहुत उसमें उसको तैयार करना थोड़ा सा मतलब पजल काम है, बाकी ये इसकी ये है कि ये 2,20,000 रुपये पर क्विंटल बिकता है। ठीक है, और इसकी डिमांड इतनी है कि बीज इतना तैयार है, पिछली बार मैंने 50 किलो बीज तैयार किया था और डिमांड आई थी 2 क्विंटल की, और तोरी की ये सेम कंडीशन है। इसके सीएच के अंदर साल में सिर्फ एक बार बीज मिलता है, एक किसान को 100 ग्राम ही बीज देते हैं, कम से कम 3,000 किसान आते हैं जिनको सिर्फ 1,000 किसानों को ही मिलता है, वो भी 2,200 रुपये किलो, 220 रुपये का एक पैकेट मिलता है, फ्री नहीं मिलता क्योंकि किसान सोचते हैं यार फ्री मिलता होगा, 220 रुपये का 100 ग्राम एक किसान को आधार कार्ड में मिलता है और कम से कम 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, 50% किसानों को मिलता है जो पहले आते हैं, बाकी 50% किसान को मायूस होकर लौटना पड़ता है। तो अगली वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे आपको देने वाले हैं काचरी के बीज को लेके। अगर आप वो खेती करना चाहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र से हैं, तो वो अगली वीडियो में रहेगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।